लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री कोटा के रामगंज मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 672 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन कर योजना से लाभान्वित किया गया। वही स्पीकर बिरला और शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों को व्हील चेयर, व्हील मोटर गाड़ी, स्पोर्ट्स स्टिक, डेयर मशीन, प्रोथेटिक लेग और हैंड सहायक उपकरण भी वितरित किए। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। सम्मान की जिंदगी दिए, आत्मनिर्भर हो और उनमें आत्मविश्वास आए, इसके लिए लगातार और 10 साल से इन दिव्यांगजनों की जिंदगियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि दूर दराज का अंदर भी कोई दिव्यांगजन है तो उसको किस तरीके से इन सहायक उपकरणों के माध्यम से वह अपनी जिंदगियों को बेहतर तरीके से जी सके। और मैंने इस बदलाव को देखा है। मैं पिछले 3 साल से इन दिव्यांगजनों से मुलाकात करता हूं, इनकी जिंदगियों को समझता हूं, इनकी कार्य संस्कृति को समझता हूं, इनके जीवन यापन को समझता हूं। मुझे पता है कई दिव्यजनों में बहुत आत्मविश्वास है, अपने पैरों पर खड़े होकर सारे परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का संकल्प भी है। और कई दिव्यजन और बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ लेकर, चाहे पीएम स्वनिधि हो, मुद्रा लोन हो, अन्य कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार भी करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहते हैं।